नेक्स्ट सेट है हमारे पास पजल्स का, काफ़ी बढ़िया सा सेट है। इसमें फिर से हमें देखना है कि किस तरीके से हम करेंगे, तो आइए देखते हैं, लेट्स सी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। क्रिकेट टीम्स हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, कैसे इसको हैंडल करेंगे इस डेटा को, ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। इंफॉर्मेशन को ज़रा मैं यहाँ पे नोट कर लूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ईयर्स के बारे में कहा गया कि हर 4 साल में हो रहा है, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ईयर को डिकोड कर लूँगा, राइट। ईयर हमारे पास 1995 से ले करके, उसके बाद क्या आएगा, 99, फिर 2003, फिर 2007, फिर 2011। कितने वर्ल्ड कप हैं भाई, 7 हैं, 1 2 3 4 5, फिर 2015 और फिर 2019। इस तरीके से ये जो 7 वर्ल्ड कप अलग अलग वर्षों में हो रहे हैं उनका ईयर डिकोड करना मुझे सबसे आसान लगता है, तो मैं सबसे पहले इसका ईयर डिकोड किया मैंने। उसके बाद बात आती है होस्ट की, और फिर बात आती है विनर की, या फिर कह लो पहले विनर की या होस्ट की, मर्जी है तुम्हारी, जैसे चाहे वैसे रख लो। कंट्रीज दे रखी हैं, दीज कंट्रीज आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। इनमें से ही ये कंट्रीज जो हैं होस्ट हैं, और इनमें से ही यही कंट्रीज हमारे पास विनर भी हैं। आगे देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जहां मिलेगी उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए, ठीक है। आओ चलो देखते हैं, लेट्स सी। ओनली इंग्लैंड वॉन द वर्ल्ड कप इन द ईयर इन विच इट होस्टेड द टूर्नामेंट, यानी इंग्लैंड जहां भी होगा, जहां भी होगा, राइट, वो होस्ट भी होगा और विनर भी वही होगा, ठीक है। इंग्लैंड के बारे में ये जानकारी अलग से हमारे पास है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। किस वर्ष में है ये नहीं पता, लेकिन हाँ ठीक है, देखते हैं। आगे बोल रहे हैं, वेस्ट इंडीज वॉन द वर्ल्ड कप व्हेन श्रीलंका होस्टेड इट, यानी जब होस्ट हमारे पास कौन है भैया, अच्छा, और वो वर्ष जो है वो 1999 नहीं है, अच्छा, मतलब यहाँ पे कौन होस्ट कर रहा था, वेस्ट इंडीज वॉन, यानी कि वेस्ट इंडीज वॉन विनर है और होस्ट कौन है, श्रीलंका है, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज, यहाँ पे श्रीलंका नहीं आएगा ऐसा इन्होंने कहा है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ श्रीलंका नहीं आएगा तो यहाँ वेस्ट इंडीज भी नहीं आएगा, ठीक है, देखते हैं। यानी जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो तो लिखना ही है, जो नहीं हो सकती है उसको भी मार्क करो, उससे भी तुम कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान वॉज द थर्ड कंट्री टू विन द वर्ल्ड कप, बहुत बढ़िया, थर्ड कंट्री टू विन द वर्ल्ड कप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी जो 2003 के विनर हैं ये पाकिस्तान है, ये बात तय हो गई, ठीक है, जो भी बात तय हो गई उसको बिल्कुल कंफर्मेशन से लिख रहे हैं, टेबल के अंदर लिख रहे हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन अलग से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, वॉज द थर्ड कंट्री टू विन द वर्ल्ड कप, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन विच इन द ईयर इन विच इट वॉज होस्टेड बाई न्यूजीलैंड, यानी जब न्यूजीलैंड हमारा होस्ट था, राइट, उस समय जो विनर था वो इंडिया था, बहुत बढ़िया। अभी अगेन कहाँ पे आएगा, दिस थिंग इज नॉट वेरी क्लियर चिल्ड्रेन, देखो किसी का माइक ऑन है बच्चों, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, माइक ऑफ रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग होगी ना आपके लिए, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली जाएगी इमिडिएटली आफ्टर द क्लास, माइक ऑफ रखिए अपना, कुछ डिस्कशन होगी तो माइक ऑन कर लीजिएगा, ओके। देखो किसी का माइक अभी भी ऑन है, रणवीर सिंह हमारा माइक ऑन है, मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऑफ रखो बच्चों, ओके, लेट्स सी। तो आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास। वन द वर्ल्ड कप, फिर से माइक कैसे कर रहे हो यार, माइक ऑफ रखो ना बेटा, व्हाई आर यू ऑलवेज स्टार्टिंग द माइक, माइक ऑफ रखिए, ओके। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, पाकिस्तान वॉज द थर्ड कंट्री टू विन द वर्ल्ड, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन विच न्यूजीलैंड होस्टेड, ठीक है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन देखो मैं ऊपर लिखता जा रहा हूँ, जहाँ भी जगह मिलेगी ऊपर नीचे करके अपना स्पेस लिखते जाएंगे, देखेंगे जहाँ जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको नोट करते चलेंगे।
स्पेस थोड़ा सा कम है, तुम्हारे पास पेपर में ज़्यादा होता है, मेरे पास स्क्रीन पे थोड़ा सा कम है, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम. इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन द ईयर दिस, ओके, इंडिया होस्टेड द वर्ल्ड कप जस्ट बिफोर श्रीलंका डिड इट. ठीक है, अब देखो रणवीर, मैं तुम्हें मीटिंग से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है, पुटिंग यू इन द वेटिंग रूम, क्योंकि तुम बार बार जो है शोर कर रहे हो, तो मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया भाई. ठीक है, यू आर आउट ऑफ द मीटिंग नाउ. पाकिस्तान वॉज द थर्ड कंट्री, कहाँ चला गया, बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है. इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, इंडिया होस्टेड द वर्ल्ड कप जस्ट बिफोर श्रीलंका वॉन इट. ओके, श्रीलंका जब विनर थी उससे जस्ट पहले, चलो इस इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखते हैं, ये हमारा होस्ट चल रहा है इधर और ये हमारा विनर चल रहा है इधर. तो ये क्या कह रहे हैं कि कहाँ चला गया, इंडिया वॉन द कप, यानी कि इंडिया विनिंग साइड पे है. ठीक है, वॉन द कप इन द ईयर इन विच इट वॉज होस्टेड बाई न्यूजीलैंड, ये तो हमने लिख लिया था, राइट. इंडिया होस्टेड द वर्ल्ड कप, ओके, इंडिया होस्टेड द वर्ल्ड कप. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इंडिया आना चाहिए था, राइट. यहाँ पे हमारे पास इंडिया, होस्ट साइड पे इंडिया है. ओके, इंडिया होस्टेड द वर्ल्ड कप, ठीक है, जस्ट बिफोर श्रीलंका वॉन इट. श्रीलंका के जीतना, मतलब श्रीलंका ने जब जीता उसके जस्ट पहले इंडिया ने उसको होस्ट किया था. ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है. ओके, नो प्रॉब्लम, आगे देखेंगे और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है. श्रीलंका वॉन द वर्ल्ड कप जस्ट बिफोर होस्टिंग द वर्ल्ड कप टाइटल. अच्छा, यानी कि जस्ट बिफोर होस्टिंग द टाइटल, यानी जब श्रीलंका इसको होस्ट कर रही थी, राइट, ये इंफॉर्मेशन मैं अलग से लिखूंगा, जब श्रीलंका इसको होस्ट कर रही थी उससे जस्ट पहले श्रीलंका ने उसको जीता है, तो श्रीलंका ने उसको जीता, तो यही तो समझ में आता है, ये समझ में आता है ना कि श्रीलंका ने इंडिया के बाद जीता, इंडिया ने जब होस्ट किया तो श्रीलंका ने जीता, और श्रीलंका ने कब जीता, जब होस्ट किया उसके जस्ट बाद जीता, यानी कि ये तीनों एक सीक्वेंस में आएंगे. ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ लूंगा सो दैट आई डोंट मिस आउट विद एनीथिंग. इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन विच द ईयर, इन द ईयर इन विच इट वॉज होस्टेड बाई न्यूजीलैंड, ये हमने ऊपर इन्फॉर्मेशन लिख रखी है. इंडिया होस्टेड द वर्ल्ड कप जस्ट बिफोर श्रीलंका वॉन इट, बिल्कुल सही है. श्रीलंका वॉन द वर्ल्ड कप जस्ट बिफोर होस्टिंग द वर्ल्ड कप टाइटल, बिल्कुल सही है. ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका जीतेगी और होस्ट करने उसके जस्ट बाद होस्ट करेगी. ठीक है, फाइन. टू वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स वर हेल्ड बिटवीन द विनिंग ईयर एंड द होस्टिंग ईयर ऑफ इंडिया. ओके, यानी कि इंडिया जब भी जीती है और जब उसने होस्ट किया है उसके बीच में दो टूर्नामेंट हुए हैं, दो वर्ल्ड कप हुए हैं. ठीक है, अच्छी बात है. इंडिया एज अ होस्ट एंड इंडिया एज अ विनर, इसके बीच में दो वर्ल्ड कप हुए हैं. इस इंफॉर्मेशन को भी मैं अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. जहाँ जो चीज़ आएगी उसको फिर लिखते चलेंगे बच्चों. ठीक है, वंडरफुल. वर्ल्ड होल्ड एंड विनिंग ईयर, इंग्लैंड वॉन जस्ट आफ्टर द विन बाई इंडिया. ओके, इंडिया जब भी जीती, इंडिया जब भी जीती उसके जस्ट बाद इंग्लैंड जीती, इंग्लैंड उसके जस्ट बाद विनिंग टीम पे आई. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, मैंने सब यहाँ पे रिप्रेजेंट की. अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं, राइट. आई यूज डिफरेंट कलर्स की अलग अलग पॉसिबिलिटीज को मैं एक ही ग्राफ में लेके चल सकूँ, तो मैं डिफरेंट कलर्स का यूज करूंगा. आइए मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगा जहाँ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट. मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मुझे इन तीन जगह पे मिल रही है, तो मैं इन तीनों को एक साथ लेके चलना चाहूंगा. ये तीन चीजें लगातार होंगी, इंडिया होस्ट करेगा, कौन जीतेगा पता नहीं, ठीक है. फिर यहाँ पे नेक्स्ट कंट्री, यहाँ पे श्रीलंका विनर होगी, कौन होस्ट करेगा पता नहीं. और ये मतलब ये तीन चीजें लगातार आएंगी, ये वाली जानकारी हमें पता है. तो ये तीन चीजें अगर लगातार आएंगी तो पहले तीन में नहीं हो सकती हैं, राइट. यहाँ पे ये तीन चीजें क्या हो सकती हैं, क्या इंडिया डैश एंड श्रीलंका यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे श्रीलंका हो नहीं सकता बिकॉज सेम कंट्री जीतेगी नहीं, है ना. तो यहाँ पे ये तीन चीजें नहीं हो सकती हैं. मैं यहाँ पे इन तीनों को फिक्स करता हूँ, कहाँ पे, 2007 से मैं इसको एक बार फिक्स करके देख रहा हूँ. हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, वी डोंट नो,
ओके देखते हैं। तो रेड से एक पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चल रहे हैं कि इंडिया ने होस्ट किया, उसके बाद श्रीलंका यहाँ पे जीती, फिर यहाँ पे श्रीलंका ने होस्ट किया, ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, इंडिया ने जब भी होस्ट किया था, राइट, इंडिया ने जब भी होस्ट किया था तो इन्होंने ऐसा कहा था कि इंडिया के होस्ट और विनिंग में 2 वर्ष का गैप है, यानी 2 वर्ष का गैप है तो या तो इंडिया यहाँ पे विनर हो सकती है या फिर इंडिया यहाँ पे विनर हो सकती है। फिलहाल देखते हैं, और कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स सी, यहाँ फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन ये श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ की कंक्रीट मुझे दिख रही है, क्यों ना हम इसको फिक्स करें, ठीक है, कि श्रीलंका जब भी होस्ट कर रही है तो कौन जीत रही है, वेस्ट इंडीज़ जीत रही है। तो यहाँ मैं वेस्ट इंडीज़ को लेकर के आऊँगा, ठीक है, रेड में इन्फॉर्मेशन चल रही है। न्यूजीलैंड ने जब होस्ट किया था तो इंडिया जीती थी, ठीक है, अभी इस इन्फॉर्मेशन को मैं कहीं पे भी नहीं लिख पाऊंगा। इंग्लैंड जब होस्ट करेगी तो इंग्लैंड ही जीतेगी, तो इंग्लैंड अभी यहाँ पे आ सकती है और लास्ट में आ सकती है। इंग्लैंड की 2 पॉसिबल पोजीशंस मुझे दिखती हैं, एक 95 में और एक 2019 में। हाँ, एक चीज़ ये है कि इन्होंने कहा था कि इंग्लैंड जो है इंडिया जब जीतेगी उसके जस्ट बाद इंग्लैंड जीतेगी। अच्छा, तो इंडिया को जिताने मतलब यहाँ तो इंग्लैंड नहीं आ सकती ना, क्योंकि इसके बाद ही आएगी, और इंग्लैंड यहाँ पे भी नहीं आएगी बिकॉज यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ हमारा गलत हो जा रहा है, एक चीज़ हमारा गलत क्या हो रहा है कि ये जो हमारे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट, 2007 में हमने इंडिया को होस्ट किया, राइट, 2007 में इंडिया को होस्ट किया, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो जा रही है, राइट, श्रीलंका और ये जो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, ये थोड़ी सी हमारे पास गलत हो जा रही हैं। ओके, समझ में आ रही कि नहीं बात, आओ चलो। तो इसका एक सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेके देखते हैं, हमारे पास सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या आ रही है इसको देखेंगे, राइट। 2007 में अच्छा इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और इंडिया के बाद हमारे पास श्रीलंका जीतेगी है। ये इन्फॉर्मेशन हमने सही लिखी है ना, एक बार ज़रा दोबारा से चेक करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसका सेकेंड पॉसिबिलिटी भी लेता हूँ तो भी ये 3 चीज़ें बाहर आ जाएंगी, मतलब नीचे आएंगी, और इंग्लैंड के लिए जगह नहीं बचेगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़रा मैं एक बार दोबारा से चेक करूंगा कि क्या हमने ये इन्फॉर्मेशन सही से लिखी है ना, मेरी बात समझ रहे हो कैसे, क्योंकि अगर मैं सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेता हूँ तो भी इंग्लैंड की जगह बचती नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया के बाद ही जीतना है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं कुछ इंटरप्रिटेशन हमने गलत तो नहीं कर दी, एक बार चेक करेंगे, राइट, एक बार ही दोबारा से मैं चेक करूंगा। ओनली इंग्लैंड वॉन द वर्ल्ड कप इन द ईयर दिस, श्रीलंका होस्टेड बट नॉट इन द ईयर 99, ओके, राइट, 99 व्हेन वेस्ट इंडीज वॉन, ठीक है, ओके, ये 99 में नहीं होगा, बाकी कभी भी होगा। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन द ईयर इन विच इट वॉज होस्टेड बाई न्यूजीलैंड, ये भी हमने इन्फॉर्मेशन लिख रखी है। इंडिया होस्टेड द वर्ल्ड कप जस्ट बिफोर श्रीलंका वॉन इट, श्रीलंका ने जब जीता उससे जस्ट पहले इंडिया ने उसको होस्ट किया है। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन द ईयर इन विच इट वॉज होस्टेड, इंडिया होस्टेड द वर्ल्ड कप जस्ट बिफोर श्रीलंका वॉन इट, श्रीलंका के जीतने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर श्रीलंका वॉन इट। तो आई थिंक ये तो सही चल रहा है यार, है ना, मेरे ख्याल से तो ये मामला सही चल रहा है मेरे ख्याल से, है ना। इंडिया यहाँ पे आया और श्रीलंका जो है यहाँ पे होस्ट है, तो मुझे लगता है ठीक ही है, राइट, इट शुड बी ओके। चलो एनीवेज देखते हैं हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है, राइट, हमारे पास फिलहाल अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान का सिर्फ अभी श्योर है कि पाकिस्तान कहाँ पे था हमारे पास, वो पाकिस्तान विनर था, विनर कब था, 2003 में विनर था, राइट, और होस्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अभी क्लियर नहीं हो पा रही है कि कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आ रही है, ये वाली चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, राइट, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन द ईयर इन विच इट वॉज होस्टेड बाई न्यूजीलैंड, इंडिया होस्टेड द वर्ल्ड कप जस्ट बिफोर श्रीलंका वॉन इट, श्रीलंका के जीतने से जस्ट पहले इंडिया ने होस्ट किया था, श्रीलंका के जीतने से पहले इंडिया ने होस्ट किया था। अच्छा, तो ठीक ही है, मुझे तो ऐसा ठीक ही लग रहा है, राइट, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं लग रही है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जब इंडिया ने
जब भी श्रीलंका ने होस्ट किया उसके बाद फिर इंडिया, उसके बाद फिर श्रीलंका ने जीतने जीती, उसके बाद फिर श्रीलंका ने जीता। तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो यही है, लेकिन फिर इसकी पॉसिबल केसेस हम कहाँ पे मिस कर रहे हैं, ज़रा आओ देखते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इंडिया को 2003 में लेके जाऊँ तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, आओ इसको ज़रा देखेंगे। राइट, इसको मैं ब्लैक से लिखूँगा राइट, बिकॉज और कोई पॉसिबल केस मुझे दिख नहीं रहा। तो इंडिया को मैं यहाँ पे 2003 में लेके गया, तो अभी जो हमारी विनर होगी वो क्या होगी, श्रीलंका होगी। ठीक है, श्रीलंका अगर होगी तो यहाँ मुझे समझ में आता है कि यहाँ जो होस्ट होगी वो श्रीलंका होगी, और जब श्रीलंका होस्ट है तो उस समय वेस्ट इंडीज हमारे पास। राइट, ये देखो, ये ब्लैक से मैं अलग इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये रेड वाला मुझे यहाँ से कैंसिल नहीं करना चाहिए था, मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा, ये एक पॉसिबिलिटी है तो मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास श्रीलंका है, ब्लैक से हम अलग इन्फॉर्मेशन लेके चल रहे हैं, जहाँ जो फिलहाल रेड वाली यहाँ पे वायलेट हो गई थी। राइट, बिकॉज ये वाली चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही थी, इंग्लैंड और इंडिया वाली। ओके ओके, तो ब्लैक से हमने देखा कि इंडिया यहाँ पे होस्ट कर रही है और श्रीलंका उसके जस्ट बाद जीती, श्रीलंका के जस्ट बाद हमारे पास श्रीलंका ने होस्ट किया। ठीक है, श्रीलंका ने जब होस्ट किया तो हमारे पास वेस्ट इंडीज जीती। ओके, अब देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है, इस बात को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ जब जीती थी तो श्रीलंका ने होस्ट किया था, ये हो गया। न्यूजीलैंड ने जब होस्ट किया था तो इंडिया जीती थी। अच्छा, तो इंडिया जीती थी, तो इंडिया हमारे पास कहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। राइट, इंडिया अगर हम देखें, न्यूजीलैंड ने जब होस्ट किया था, अब देखो ये चीज़ फिक्स है। अब इंग्लैंड वाली इंफॉर्मेशन से कुछ हम सोचें क्या, इंग्लैंड कहाँ कहाँ पे आ सकती है। इंग्लैंड यहाँ भी आ सकती है और यहाँ भी आ सकती है, लेकिन इंग्लैंड इंडिया के बाद ही है। राइट, इंडिया के बाद ही है, और इंडिया कब जीत रही है ये इंफॉर्मेशन, चलो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेके देखते हैं। राइट, यहाँ पे कुछ सर्टेन नहीं लग रहा है तो मैं पॉसिबिलिटीज़ को लेके देखूंगा। राइट, रजत ने हालांकि यहाँ पे कुछ जवाब दिया है, प्रशांत कुछ कहना चाह रहा है, चलो देखते हैं, आओ लेट्स सी देखते हैं। हाँ प्रशांत, कुछ क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। ओके, देखो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ नहीं की, इधर राइट साइड पे जो इन्फॉर्मेशन है हमने यूज़ नहीं की, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आओ ज़रा इसको यूज़ करते हैं। न्यूजीलैंड वॉन द वर्ल्ड कप बिफोर द सेम वॉज होस्टेड बाई ऑस्ट्रेलिया। ओके, यानी न्यूजीलैंड कब जीतती है, न्यूजीलैंड कब जीतती है, जब ऑस्ट्रेलिया ने उसको होस्ट किया। ठीक है, तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को इधर लिखूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जब भी उसको होस्ट किया उससे जस्ट पहले जो विनर थी वो कौन थी, वो न्यूजीलैंड थी। ठीक है, आई रिपीट दैट अगेन, न्यूजीलैंड वॉन द वर्ल्ड कप बिफोर द सेम वॉज होस्टेड बाई ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया वॉन द वर्ल्ड कप इन द ईयर इट वॉज होस्टेड बाई पाकिस्तान। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया जब जीतती है, विनर है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को इधर कहीं पर लिख दें, जब पाकिस्तान ने होस्ट किया उस समय ऑस्ट्रेलिया हमारी विनर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। All right, Australia was neither the last nor the first to win the World Cup. Australia हमारे पास यहाँ पे भी नहीं आ सकती और यहाँ पे भी नहीं आ सकती। ठीक है, अब देखो ये इन्फॉर्मेशन हमने मिस कर दी थी, आई एम सॉरी, तभी मुझे लग रहा था कि इन्फॉर्मेशन इतना कम क्यों हो रहा है। राइट, चलो आओ, अच्छी बात है। राइट, इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड हो गई तो अब इससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया और बड़े आसानी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जा रही हैं। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ नहीं आ सकती, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर हमारे पास पोजिशन देखते हैं तो दो पोजीशन बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के जीतने के, या तो 2015 या फिर 99, है ना। ऑस्ट्रेलिया के जीतने के हमारे पास दो पोजीशंस बन रहे हैं, या तो 99 या फिर 2015। तो दोनों पोजीशन लेके देख लेते हैं। राइट, एक बार ब्लैक से ले लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को जब हमें जितवाना है, चलो ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ हमने ऑस्ट्रेलिया लिया। ठीक है, अगर यहाँ हमने ऑस्ट्रेलिया लिया तो होस्ट हमारा पाकिस्तान होना तय है। ठीक है, होस्ट हमारा पाकिस्तान होना तय है, दो ही पॉसिबिलिटी है ध्यान रखना, या तो 99 या फिर 2015। और यहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि ऑस्ट्रेलिया जब होस्ट करेगी उसके जस्ट पहले न्यूजीलैंड जीतेगी। अच्छा, तो न्यूजीलैंड के जीतने के लिए अब हमारे पास, राइट, ऑस्ट्रेलिया जब होस्ट करेगी उससे जस्ट पहले न्यूजीलैंड जीतेगी, तो इसका ये मतलब है, लेकिन एक टेंशन है यार, यहाँ पे हमने ये देखा कि
ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। अच्छा यहाँ पे तो और पॉसिबल केसेस भी है ना, राइट? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान हो सकते हैं, और न्यूजीलैंड होस्ट करेगी है, न्यूजीलैंड विनर होगी, न्यूजीलैंड विनर होगी तो ओके। लेट्स सी, न्यूजीलैंड वॉन द वर्ल्ड कप बिफोर द सेम वॉज होस्टेड बाई ऑस्ट्रेलिया, बिफोर, जस्ट बिफोर है या बिफोर है? बिफोर का मतलब तो कभी भी पहले हो सकता है। ओके चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेट करने की कोशिश करते हैं, राइट? पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया तो एक साथ ही आएंगे, ये बात तो तय है, राइट? और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसी बन नहीं रही है। न्यूजीलैंड के साथ हमारे पास, न्यूजीलैंड कब जीतेगा ये इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड यहाँ पे भी जीत सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड इसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया है, तो न्यूजीलैंड यार जीतने के लिए तो सिर्फ एक ही जगह बचती है ना, न्यूजीलैंड सिर्फ और सिर्फ ऊपर टॉप पे ही जीतेगा अगर हम ये ब्लैक वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं तो, है ना? मैं न्यूजीलैंड को यहाँ पे रख रहा हूँ टॉप पे, बिकॉज इससे पहले ही होना है, अगर यहाँ नीचे भी ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा तो हम उसको देखेंगे, विल सी दैट, ठीक है? तो न्यूजीलैंड जब कभी भी होस्ट जीत रही है उस समय होस्ट कौन है, ऐसी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, विल सी दैट। और क्या हमारे को दे रखा था, और हमें एक इंफॉर्मेशन हमने ये यूज़ नहीं किया कि इंडिया जब जीत रही है और इंडिया जब होस्ट कर रही है इसमें 2 साल का अंतर है, तो इंडिया ने होस्ट यहाँ पे किया जीतने के लिए। अब अगर हम पॉसिबिलिटी देखते हैं तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है इंडिया की कि ये 2 साल का अंतर यानी 2015 में ही जीत सकती है, और कहीं इंडिया अब नहीं जीत सकती, ठीक है? तो ये वाली कंडीशन भी सिर्फ एक ही सॉलिड तरीके से आती है, और कोई पॉसिबिलिटी आ नहीं रही है, ठीक है? और इंडिया के बाद ही इंग्लैंड जीतेगी, ये वाली केस भी यहाँ पे फॉलो हो जा रहा है, तो इंग्लैंड अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, राइट? तो इंग्लैंड जो है सिर्फ तुम्हारा यहाँ पे आ सकता है, ओके? इंग्लैंड आ गया, इंडिया आ गया, श्रीलंका वेस्ट इंडीज आ गया, श्रीलंका हमारे पास विनर है, इस समय होस्ट कौन है पता नहीं अभी, ठीक है कोई बात नहीं, इंग्लैंड इंग्लैंड देखते हैं, राइट? न्यूजीलैंड अगर हमारा विनर है तो उस समय होस्ट कौन है पता नहीं, इंडिया जब विनर है तो उस समय न्यूजीलैंड होस्ट है, ये अच्छी बात है, तो ये हमने यहाँ पे न्यूजीलैंड को फिक्स किया, ठीक है? और वेस्ट इंडीज जब विनर है, वेस्ट इंडीज जब विनर है तो श्रीलंका होस्ट है, ये सारी बातें हो गई, और कुछ कंडीशन अभी तक क्लियर नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हमारे पास कौन सी दो कंट्रीज रह गई हैं जो होस्ट करने को रह गई हैं। तो दो कंट्रीज, पाकिस्तान अपनी फिक्स है, इंडिया फिक्स है, श्रीलंका फिक्स है, न्यूजीलैंड फिक्स है, और इंडिया और इंग्लैंड फिक्स है। दो कंट्रीज जो रह गई वो कौन सी रह गई, एक रह गई ऑस्ट्रेलिया, राइट? एक रह गई ऑस्ट्रेलिया, और एक कौन सी रह गई, पाकिस्तान हो गया, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज रह गई, बिल्कुल सही बात है। तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया इनको फिक्स करना है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं वेस्ट इंडीज को भी ले सकता हूँ और ऑस्ट्रेलिया को भी ले सकता हूँ, अब किसको लें, क्या इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहीं से दे रखी है? अभी तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। विनर्स तो अपने पास सारे आ गए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज एंड इंडिया एंड इंग्लैंड, बट यहाँ पे अभी ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। अगर वेस्ट इंडीज होस्ट यहाँ पे करेगी तो ऑस्ट्रेलिया होस्ट यहाँ पे करेगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे रेड से ड्रॉ करूँगा कि अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगी तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज होस्ट करेगी। अभी भी दो पॉसिबिलिटी मेरे पास निकल के आ रही है, राइट? सर पर इंडिया तब जीता है जब न्यूजीलैंड ने होस्ट करा। हाँ इंडिया तब जीता जब न्यूजीलैंड ने होस्ट करा, तो ठीक है ना, वो तो हमने ले ही लिया, इंडिया ने तब जब न्यूजीलैंड ने होस्ट किया, ये तो ठीक है, दैट इज फाइन, वो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है। हाँ प्रशांत कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। सर न्यूजीलैंड वन कर रहा है मैच को जब ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट करा है, तो सर उससे तो क्लियर हो गया ना कि वेस्ट इंडीज ही न्यूजीलैंड ही आएगी ऊपर। नहीं ये कहाँ लिखा हुआ है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है तभी न्यूजीलैंड जीता है? सर ये सेकंड सेकंड वाले पोर्शन में जो फर्स्ट लाइन है, ऑस्ट्रेलिया वॉन द वर्ल्ड कप इन द ईयर, नहीं उससे पहले सर, उससे पहले न्यूजीलैंड वॉन द वर्ल्ड कप बिफोर द सेम वॉज होस्टेड बाई ऑस्ट्रेलिया, बिफोर द सेम वॉज होस्टेड बाई ऑस्ट्रेलिया, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है?
तो न्यूजीलैंड तभी जीती है जब ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया, तो फिर बिल्कुल फिर तो सारे केसेस ही खत्म हो गए। फिर तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर अगर हम देखें तो जो हमारे पास पॉसिबल केसेस हैं राइट, यहाँ पे जो हमारा ये होस्ट हो जाएगा, तो होस्ट क्या हो जाएगा फिर, तो होस्ट तो हमारे पास ऊपर से फिर अगर हम देखें तो सिर्फ वेस्ट इंडीज ही होस्ट बचता है। ऑस्ट्रेलिया का केस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर ऊपर से ऑस्ट्रेलिया का केस एलिमिनेट हुआ तो यहाँ से वेस्ट इंडीज का केस एलिमिनेट हुआ। ठीक है कि नहीं बताओ। यस सर, यस सर, यही वाला केस बता रहा हूँ। चलो मैं, सो आइए इस इंफॉर्मेशन को क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं, लेट्स सी। पहला सवाल था हमारे पास, थोड़ा सा जगह कम है बट कोई बात नहीं। इन विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया था, तो इसका आंसर मैं वेस्ट इंडीज बोलूंगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, क्लास के बाद आप दोबारा से ट्राई करेंगे। ठीक है, आई वुड से आई वुड गो विद वेस्ट इंडीज इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन विच ईयर इंग्लैंड होस्टेड द वर्ल्ड कप, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लैंड ने होस्ट कब किया था, तो इंग्लैंड ने 2019 में होस्ट किया था, 2019 में होस्ट किया था। ठीक है, आई विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अगर सॉल्व करने के बाद पांचों सवाल आसानी से हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है राइट। इन विच ईयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स होस्टिंग ईयर एंड विनिंग ईयर ऑफ इंडिया इज करेक्ट। इंडिया का होस्टिंग कब है, 2003 में, और विनिंग कब है इंडिया का, 2015 में, यानी 2003 और 2015। ठीक है, होस्टिंग ईयर पहला क्या है, पहला है होस्टिंग, तो होस्टिंग है अपने पास 2003, 2003 इसका नन ऑफ दीज मार्क करेंगे बेटा राइट। आई विल गो विद नन ऑफ दीज, इन्होंने ठीक उल्टा करके लिख दिया है राइट, बट इसमें सीक्वेंस डज मैटर। ठीक है, आप इसमें क्या मार्क करेंगे, आप इसमें नन ऑफ दीज मार्क करेंगे, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया गया है उसी सीक्वेंस में आप इसको मार्क करेंगे, तो आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर नन ऑफ दीज। ठीक है, 2003 2015 की पोजिशन उन्होंने स्वैप की है, तो आपको नन ऑफ दीज मार्क करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो एक बार को मैं इसमें डी मार्क कर देता, अगर इसमें नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैं इसमें डी मार्क कर देता, बट क्योंकि नन ऑफ दीज है तो मैं नन ऑफ दीज मार्क करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज द विनर एंड होस्ट ऑफ द ईयर 2011 रिस्पेक्टिवली, पहले विनर और फिर होस्ट। ठीक है, 2011 का विनर हमारे पास है वेस्ट इंडीज और फिर श्रीलंका, तो वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका राइट, वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका, पहले विनर तो 2011 का विनर तो वेस्ट इंडीज ही है और फिर श्रीलंका, फिर से इसमें मैं क्या नन ऑफ दीज मार्क करूं, आई विल गो विद नन ऑफ दीज राइट। अंकिता कुछ कहना चाह रहे हो बोलो। ए सर होगा सर, ए सर मुझे एक डाउट आ रहा है जो हाँ, जस्ट अ ये मोमेंट, ही इज राइट राइट, वेस्ट इंडीज एंड 2011, 2011 का श्रीलंका होगा ना, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज राइट, वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा, आई एम सॉरी, ए ऑप्शन हो जाएगा। हाँ बोलो बेटा, बोलो क्या बोलो, फिर से सर बोलो। मुझे ये न्यूजीलैंड वन द वर्ल्ड कप बिफोर द सेम वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, ये लाइन क्लियर नहीं हो पा रही है। न्यूजीलैंड वॉन द वर्ल्ड कप राइट, न्यूजीलैंड जब भी वर्ल्ड कप जीत रही है, बिफोर इट वॉज होस्टेड बाई ऑस्ट्रेलिया, ठीक यस है, सर, बिफोर द सेम वॉज होस्टेड बाई ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जब भी उसको होस्ट किया, न्यूजीलैंड उससे पहले उसको जीत रही है। इसका सिंपल सा मैं इतना इतना इंटरप्रिटेशन कहूंगा कि न्यूजीलैंड इट बिफोर द सेम वॉज होस्टेड बाई ऑस्ट्रेलिया, तो सर यानी ऑस्ट्रेलिया ने पहले होस्ट किया होगा, उसके नेक्स्ट ईयर में न्यूजीलैंड ने जीता होगा वो गेम। ना 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 ना, बिफोर उससे पहले जीता है, उससे पहले जीता है ना, बिफोर है। ठीक है, ओके सर, राइट, इट शुड बी बिफोर, बिफोर का मतलब तो पहले ही होगा ना। इसका आंसर फोर्थ का फिलहाल हमारे पास ए ऑप्शन हो जाना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास है भी राइट, पहले वेस्ट इंडीज जीत रही है और फिर श्रीलंका होस्ट कर रही 2011 में, तो इसका ए ऑप्शन हो जाना चाहिए। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट सी क्या है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। विच कंट्री वॉन द वर्ल्ड कप बिटवीन द होस्टिंग एंड विनिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ चला गया,
ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट कब किया, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट 2007 में किया, और ऑस्ट्रेलिया ने जीता कब, तो ये जीता, यानी 2003 की बात हो रही है, 2003 का ये विनर पूछ रहे हैं, 2003 का विनर कौन है, पाकिस्तान, सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस सेट को आपने फिनिश तो किया, लेकिन मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से तुम्हें इस सेट को करना चाहिए, बहुत बढ़िया सेट है, पहला सेट भी अच्छा था, दूसरा और भी अच्छा है, तो आप इसको फिर से करेंगे, मैं ये क्लास नोट्स अभी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा।